क्या सच में भारत में जो कोल बेस्ड थर्मल प्लांट है, थर्मल प्लांट्स रहते हैं, उनका अंत शुरू हो गया है, एंड है उनका? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका बिल्कुल दो रीजन है। एक तो अभी हाल में ही जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि दिल्ली एनसीआर के पास जो भी कोल बेस्ड थर्मल प्लांट है, अगर वो विद इन टाइम लिमिट जो कि खत्म होने वाली है 31 दिसंबर 2019 से पहले, जो उनका डेडलाइन उनको लास्ट दी थी 2 साल, उनको ऑलरेडी एक्सटेंड किया गया था डेडलाइन को 2017 पैसे 31 दिसंबर 2017 पैसे वैसे लास्ट डेडलाइन थी, तो अब 31 दिसंबर 2019 तक अगर ये जो एमिशन स्टैंडर्ड उसके हिसाब से अपने प्लांट्स को चेंज नहीं करते हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके प्लांट्स को मे बी बंद, इन प्लांट्स को जो उसको फॉलो नहीं करेंगे नॉर्म्स को, उनको बंद किया जाएगा। अगर भारत की बात करूं तो 70% इलेक्ट्रिसिटी आज भी इन कोल बेस्ड थर्मल प्लांट से रहती थी। मेन रीजन था इनको बिल्कुल इनको सेटअप करने का, जितने हमारे 116 प्लांट आज की डेट में इंडिया में है, रीजन दो थे बड़े। एक तो इंडिया में कोल अवेलेबल था इजिली, दूसरा जो उसके प्रोडक्शन थी स्टार्टिंग में वो हमें काफी जो कॉस्टिंग थी रनिंग इनकी जो कॉस्टिंग हमें निकल कर आती पर यूनिट वो काफी कम थी, लेकिन अब काफी कुछ चेंज हो चुका है। पोल्यूशन इफेक्ट बिल्कुल, एयर पोल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है, पानी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ये कोल बेस्ड, ये भी एक ऑलरेडी सभी कई स्टेट्स में मैक्सिमम स्टेट्स में पानी की दिक्कत, ऐसे में पूरा का पूरा एक नदी ये खा जाते हैं, एक इतना इनकी कंजप्शन है वाटर की, तो उस हिसाब से भी ये नेगेटिव जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ 5 स्टेट्स का नाम निकल कर आया जो मेन मेरा आज का अपडेट रहेगा, वो 5 स्टेट ने कह दे के उन्हें क्लियर किया है मिलकर के नो न्यू कोल पॉलिसी, मीन्स वो बिल्कुल भी कोई नया कोल बेस्ड थर्मल प्लांट आगे नया नहीं लगाएंगे, और जो इवन है उनको भी रिप्लेस किया जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, यानी कि जैसे ही उनकी रिन्यूएबल एनर्जी उस जो अभी जो प्लांट कैपेसिटी है कोल बेस्ड थर्मल प्लांट की कैपेसिटी है उससे ऊपर जाती है तो वो इनको भी बंद करेंगे। कौन सी ये 5 स्टेट्स है, क्या उनका फिगर्स हैं, कितनी वो कोल से एनर्जी बना रहे हैं या उनका टारगेट क्या है, ये सब इस वीडियो में मैं क्लियर करता हूं, तो इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। अगर आप भी इस तरह के वीडियो सर्च करते हो तो एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा ये, तो बनी रहेगा वीडियो के साथ अंत तक। आप देख रहे हो सिंह ऑटो ज़ोन का नया एपिसोड, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। पहले 2 स्टेट्स ऑलरेडी पहले ही कंफर्म कर चुकी थी कि वो अपने स्टेट्स में नया कोल बेस्ड थर्मल प्लांट नहीं लगाएंगी, वो थी गुजरात और छत्तीसगढ़। अब 3 और स्टेट्स ने उनको ज्वाइन किया है सेम वही कि हम नया प्लांट नहीं लगाएंगे। कौन सी है वो 3 स्टेट्स, वो है दोस्तों राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटका। टोटल 5 स्टेट्स हैं, भारत की बड़ी स्टेट्स हैं ये पांचों। अगर ये पांचों मिलकर ये बात कर रहे हैं कि भाई नया कोल बेस्ड थर्मल प्लांट नहीं लगाएंगे, और जीवन जो लगे भी हैं और जब हमारी रिन्यूएबल एनर्जी उसके बराबर या उससे ऊपर पहुंचेगी हम इनको भी बंद कर देंगे, मीन्स उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी तो हम इन प्लांट्स को भी बंद कर देंगे, इसका मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स का अंत शुरू हो गया है। टाइम लगेगा, इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला इंडिया में, टाइम लगेगा, बट स्टिल हम कह सकते हैं कि इनका अंत शुरू हो गया है। थोड़ा इन स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहां नुकसान हम ऑलरेडी कर चुके हैं, काफी मैं वीडियोस बना चुका हूं कोल बेस्ड की, सबसे बड़ा एयर पोल्यूशन, दूसरा बहुत ज्यादा पानी ये कंज्यूम करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। अगर आपने कभी गौर किया पूरी नदी का एक पोर्शन इनकी तरफ डाइवर्ट किया होता है वो पूरा पानी ये कंज्यूम कर जाते हैं कोल बेस्ड थर्मल प्लांट। टोटल 70% इलेक्ट्रिसिटी इन प्लांट से आज की डेट में इंडिया में बनाई जा रही है। टोटल 116 प्लांट इंडिया में टोटल कोल बेस्ड थर्मल प्लांट है। इन स्टेट्स की बात करते हैं पांचों की। राजस्थान, टोटल जो कोल बेस्ड थर्मल प्लांट की जो कैपेसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है इस टाइम करंट 11.6 गीगावाट, यानी कि 11.5 गीगावाट इनकी प्रोडक्शन है कोल थर्मल प्लांट कोल एनर्जी की। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी राजस्थान में इस टाइम करंट जो कैपेसिटी है तकरीबन 11.1 गीगावाट है, यानी कि हम यहां देख सकते हैं कि तकरीबन एट पार आ चुका है राजस्थान। नंबर टू कर्नाटका, कोल कैपेसिटी है 9 गीगावाट और रिन्यूएबल एनर्जी तो काफी ज्यादा 17.9 गीगावाट है, तो बिल्कुल ये डिसीजन लेना तो बनता है। तमिलनाडु, कोल कैपेसिटी है 13.5 गीगावाट और वहीं रिन्यूएबल एनर्जी टोटल प्रोड्यूस कर रहे हैं ये 15.6 यानी कि 15.6 गीगावाट, तो ये बिल्कुल ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफी एट पार या उससे आगे ये स्टेट्स रिन्यूएबल एनर्जी में निकल चुके हैं, मीन्स ये उसको रिप्लेस कर सकती है आने वाले टाइम में, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी चाहे सोलर प्रोजेक्ट है चाहे वाइंड प्रोजेक्ट है ये ऐड हो रहा है, इनमें कमिश्निंग होती जा रही है हर महीने, कोई ना कोई नया हमें अपडेट आ रहा है कि कमिश्निंग हो गई है, तो ऐसे में आगे चलकर मैं कह सकता हूँ 2-3 साल तक ये हमारे अपडेट आना शुरू हो जाएगा कि फलाना फलाना स्टेट्स ने बिल्कुल अपने कोल बेस्ड थर्मल प्लांट को स्टेप वाइज बंद करना शुरू कर दिया है। कुछ स्टेट्स में एक से ज्यादा प्लांट है, कई प्लांट्स है जो हमारी सेंट्रल की जो स्टेट्स हैं उनमें काफी ज्यादा एक स्टेट्स में कई कई थर्मल प्लांट लगे हुए हैं।
कुछ और डाटा है वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ लास्ट में। अगर सबसे सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी अगर पर कॉस्ट पर यूनिट की बात करूँ तो वो राजस्थान में है, तकरीबन ₹2.5 पर यूनिट के से भी कम यहाँ पर प्राइस निकल कर आया है जो रिन्यूएबल एनर्जी है राजस्थान में, 2.44। इंडिया का सबसे सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर है 2.44, ₹2.44 पर यूनिट। वहीं तमिलनाडु, जिसके पास अगर वाइंड एनर्जी, कुछ जो ये स्टेट्स हैं उनमें से तमिलनाडु सबसे आगे है जिसमें जो वाइंड एनर्जी है उसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट है, टोटल वाइंड कैपेसिटी 1500 मेगावाट, अपने आप में ये मायने रखती है दोस्तों ये डाटा। लास्ट में है कर्नाटका, आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, कर्नाटका जब भी हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो ये कुछ स्टेट्स, ये पांचों स्टेट्स राजस्थान को छोड़ के बाकी चार स्टेट्स सबसे आगे हैं इन दोनों को अडॉप्ट करने में। और कर्नाटका आप यकीन नहीं मानोगे जो 50% इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी नीड है ये रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि कोल बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर्नाटका की थी वो 9 गीगावाट थी, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी उससे डबल, तकरीबन कह सकते हैं 18 गीगावाट, 17.9 यानी कि 18 गीगावाट कैपेसिटी है, डबल है कोल से। तो बिल्कुल ये तो एनी टाइम कुछ स्टेट्स ऐसी हैं स्विच कर सकती हैं क्लीन एनर्जी पर, बट स्टिल टाइम लगेगा, 2-3 साल मुझे लगता है इनमें ये तक हो जाएंगे इसको बंद करते हुए, बट ये वो टाइम बहुत नजदीक है। हम कह सकते हैं कि भारत में कोल एनर्जी का जो अंत है वो शुरू हो चुका है। आपका क्या ख्याल है बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपके कमेंट से भी मुझे काफी नॉलेज मेरी इंक्रीज होती है। आज के लिए इतना ही, वीडियोस अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, जय हिंद।